अमित शाह 7.5 मिलियन, हिलेरी क्लिंटन 20 मिलियन, नरेंद्र मोदी 36 मिलियन, ट्रंप 41 मिलियन, राहुल गांधी 4 मिलियन। कितना है? अबे ये कहाँ से लिया था नंबर? सही है, यही है। चलेगा। तो दोस्तों ये जितने भी लीडर्स का नाम आपने सुना, इनके फॉलोअर्स का काउंट देखा, और मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया बॉट्स के बारे में है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब फॉलोअर्स नकली हैं, लेकिन हाँ ये बात हम सभी जानते हैं कि काफी सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज स्पेशली पॉलिटिक्स में आजकल बढ़ा चढ़ा कर अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स का अकाउंट दिखाने के लिए नकली अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स, सोशल मीडिया बॉट्स का यूज करते हैं। अब ये सोशल मीडिया बॉट्स क्या बला हैं, इनका क्या अच्छा और क्या बुरा यूज किया जा सकता है, इनका लोग यूज करते ही क्यों हैं, और किस तरीके से ये हमारी और आपकी सोच को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया नाम तो जरूर सुना होगा आपने। बॉट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में बता दूं, और बता क्या दूं, आजकल तो सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं। आप जानते ही होंगे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर, किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम सभी के सभी हैं। सोशल मीडिया आजकल के जमाने में ऐसा हो गया है कि इंसान जो भी खाता है पीता है उसकी उल्टी जाके वो सोशल मीडिया पे करता है, खुशी हो या गम फेसबुक पर हमेशा हम। तो अब बात करते हैं बॉट्स के बारे में। बॉट्स को अगर मैं आपको बहुत ही आसान सिंपल भाषा में बताऊं तो बॉट्स आर स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड स्क्रिप्ट्स टू परफॉर्म वेरी स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑन सर्टेन एक्शंस। तो अब इसको आसान भाषा में अगर मैं इसको और आसान करूं तो बॉट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स डेवलपर्स बनाते हैं बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक एक्शंस को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए। ये बॉट्स हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी हद तक यूज करते हैं, हमको पता नहीं लगता लेकिन हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बॉट्स का देता हूँ, जो हम फोन यूज करते हैं। अगर हम आईफोन यूज करते हैं तो उसमें एक सीरी असिस्टेंट होता है। अगर हम एंड्रॉयड यूज करते हैं गूगल का, तो उसमें गूगल असिस्टेंट होता है, वो वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट होता है। तो उसमें जो भी हम वॉइस कमांड दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने वॉइस कमांड देके गूगल असिस्टेंट से पूछा कि व्हाट इज द वेदर राइट नाउ, तो वो आपको वेदर बताएगा। आप कोई और कमांड देंगे, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, तो ऐसे अगर कॉमन सर्टन एक्शन आप करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन करेगा और वो रिपीटेडली करता रहेगा। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है बॉट्स का। अगर आप रिपीटेडली पूछेंगे व्हाट इज द वेदर राइट नाउ, तो आपको वेदर ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि इंसान की तरफ 5-6 बार सुनने के बाद वो बोलेगा कि अबे कितनी बार पूछेगा। तो ये एग्जांपल होता है बॉट्स का। दोस्तों एक रिसर्च के हिसाब से इंटरनेट काफी बड़ी तादाद में दुनिया में अरबों खरबों लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया अरबों लोग यूज करते हैं, और एक रिसर्च के हिसाब से 30% से भी ज्यादा लोगों की सोच को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके ओपिनियंस को डिसीव किया जा सकता है। ये काफी सोचने लायक बात है। सोशल मीडिया बॉट्स यूज करने के लिए आपको कोई इंजीनियर डेवलपर होना जरूरी नहीं है, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। पहली बात तो ये बनाने बहुत आसान होते हैं, कई इंटरनेट पे आपको तरीके मिल जाएंगे जिससे कि आप ये खुद बना सकते हैं। वो भी नहीं करना है तो आपकी जेब में बस पैसे होने चाहिए, पैसे खर्च कीजिए, इतने डॉलर्स में इतने इनकी बोली लगती है। आमतौर पर आप बेट भी कर सकते हैं कई तरीके की वेबसाइट्स पर, जिसमें इतने डॉलर्स पे आपको इतने हजार लाइक्स, इतने डॉलर्स पे आपको इतने हजार फॉलोवर्स, इतने डॉलर्स पे इतने हजार सब्सक्राइबर्स आसानी से मिल सकते हैं। इन बॉट्स का सबसे बुरा नुकसान जो हो सकता है वो होता है कि ये हमारी सोच को बदल सकते हैं, हमारे ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई बड़ी पर्सनालिटी जो कि बुरी सोच रखती है, वो सोशल मीडिया बॉट्स का यूज करके एक अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी छवि दुनिया को दिखा सकती है, तो जो कि करेक्ट नहीं होगी, और उसके जरिए हमारे ओपिनियन इन्फ्लुएंस होंगे, हमें लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो ये नुकसान हो सकता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान कहां पर है? सही, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमको देखने को मिलता है इलेक्शंस में, राइट। तो इलेक्शन में हम किसी नेता, किसी कैंडिडेट को पर्सनली नहीं जानते हैं। अब ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर घंटे हर दिन लोग अपने अपडेट्स डालते हैं, काफी बड़ी तादाद में सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग इसका यूज करते हैं, और जब वो एक खास पैटर्न में अपने बारे में अपडेट्स, अपने बारे में न्यूज, अपनी सोच, अपनी पोस्ट डालते हैं, हम उनको पढ़ते हैं और देखते हैं सोशल मीडिया में भाई काफी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी एक सोच, अगर हम उसको अच्छा समझते होंगे तो इन सोशल मीडिया बॉट्स में ताकत है कि हम
उसके बारे में बुरा सोचने लग जाएं। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते होंगे तो इन सोशल मीडिया बॉट्स के जरिए हम उसके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारी सोच काफी हद तक इन्फ्लुएंस हो जाती है जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उसकी वजह से। तो इलेक्शन में इसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। आप खुद सोचिए कि एक बुरी विचारधारा, बुरी सोच रखने वाला कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो और सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो नई जनरेशन है जो कि ज्यादातर सोशल मीडिया का यूज करती है, उनके सामने एक अपनी अच्छी फेक छवि, फेक इमेज रिप्रेजेंट करे और जिसकी वजह से उसको वोट भी मिल जाए और वो जीत भी जाए। कहीं ना कहीं ऐसा वाकई हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है इन सोशल मीडिया बॉट्स का यूज। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया फेक फॉलोअर्स, फेक सब्सक्राइबर्स, फेक लाइक्स आखिर बनते कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले तो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ऐसी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बनती हैं जिससे कि फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बने। जब एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनते हैं और इनकी काफी बड़ी आर्मी खड़ी हो जाती है, तब जाके इनको बेचा जाता है इन्फ्लुएंशियल पैसे वाले लोगों। और जब इनको बेचा जाता है तो फिर उनको खास तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि भाई उस बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की जब भी कोई पोस्ट आए, जब भी कोई बात आए, तो उसमें फेक लाइक्स, फेक रीट्वीट्स किए जा सके। तो फिर दूसरा स्टेप होता है उन सारी की सारी फेक आईडीज, फेक अकाउंट्स का एपीआई कंट्रोल लेना। और फिर तीसरे स्टेप में इन सारे सोशल मीडिया फेक अकाउंट को मास मैनेज किया जाता है, मतलब कि एक ही सॉफ्टवेयर से, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इनको मास मैनेज किया जा सकता है, ताकि जिससे कि एक ही वक्त पर ये सारे के सारे सोशल मीडिया फेक अकाउंट से एक ही वक्त पे किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक किया जा सके, रीट्वीट किया जा सके, या फिर कीवर्ड्स का एल्गोरिथम यूज करके कुछ खास कमेंट्स किए जा सके, पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, जैसे भी कमेंट्स हम चाहें ऑटोमेटेड फैशन में कर सकते हैं। अभी हाल में ही यूएस में जो इलेक्शंस हुए हैं, अगर आप इंटरनेट पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी हाल में हुए यूएस इलेक्शंस में बोथ ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, जो हिलेरी और ट्रंप, दोनों के कंबाइंड फॉलोअर्स में से 30% से भी ज्यादा फेक अकाउंट्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक लोगों की सोच को, लोगों के ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस किया गया था। फेक अकाउंट्स और जेन्युइन अकाउंट्स में फर्क क्या होता है? सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये लगातार इन फेक अकाउंट से लड़ती रहती हैं और कोशिश करती रहती हैं कि ये इनको ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट कर सकें। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान दें तो एक इंसान के लिए अपनी आम कॉन्साइंस का, कॉमन सेंस का यूज करके इन बॉट्स को पहचानना बहुत आसान है। जैसे कि सोशल मीडिया जो बॉट होगा, जो कि एक फेक अकाउंट होगा, उसमें आप देखेंगे कि वो खुद एक पर्टिकुलर अकाउंट तो सैकड़ों अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके खुद के कोई फॉलोवर्स नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो लगातार रिपीटेडली लाइक किए जा रहा है पोस्ट पे इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, हर दो मिनट में, हर एक मिनट में। तो ये एक साइन हो सकता है कि भैया ये जेन्युइन बंदा नहीं हो सकता, ये फेक अकाउंट ही होगा। इसके अलावा उनका एक पैटर्न हो सकता है कि एक खास पोस्ट के आते ही विद इन 30 सेकेंड, विद इन 1 मिनट इस पे लाइक आएगा, इस पे कमेंट आएगा, कुछ सर्टन कीवर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक फेक अकाउंट को। लेकिन एक मास लेवल पे काफी मुश्किल हो जाता है एक सोशल मीडिया कंपनी के लिए, एक मास लेवल पे बहुत सारे अरबों, लाखों करोड़ अकाउंट्स में से फेक अकाउंट्स को डिटेक्ट करना और फिर इनको एलिमिनेट करना। ये लगातार एलिमिनेट होते हैं लेकिन रिक्रिएट हो जाते हैं, इनको रिक्रिएट करना बहुत आसान है। तो हर वक्त सोशल मीडिया पे ये फेक अकाउंट्स बने रहते हैं। तो दोस्तों इंसान का सबसे बड़ा जो दोस्त होता है वो उसका अपना कॉमन सेंस होता है। सोशल मीडिया पर आप जो कुछ भी देखें, भेड़ चाल पर ना जाएं। यू हैव टू जज इट योर सेल्फ दैट द मैसेज दैट यू रेड इज करेक्ट और नॉट। ओनली आफ्टर यू जज इट देन यू शुड रीट्वीट और रीपोस्ट इट। दैट्स व्हाट आई वुड से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जवाबी बाबा के वीडियोस को देखते रहिए, मैं जवाबी बाबा के एपिसोड्स में इसी तरीके के वीडियोस लाता रहता हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, शुक्रिया।